बुलंदशहर के सिकंदराबाद पुलिस ने आज अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से चोरी की गई 15 मोटरसाइकिल बरामद की है। गिरोह के सदस्य बाइकों को चुराकर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान समेत कई अन्य प्रांतों में ठिकाने लगाते थे। एसएसपी बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह की माने तो देर शाम पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि दो बाइकों पर कुछ बाइक चोर चोरी की बाइकों को ठिकाने के लिए गुलावटी की तरफ जा रहे हैं। सूचना पर अमल करते हुए सिकंदराबाद पुलिस गुलावटी सिकंदराबाद ओवरब्रिज के नीचे चेकिंग करने लगी। इसी दौरान पुलिस को दो वाहनों पर 4 युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो चारों बाइक सवार भागने लगे। हालांकि पुलिस ने घेराबंदी कर चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी की गई 15 मोटरसाइकिल को भी बरामद करने का दावा किया है। जिस सिकंदराबाद पुलिस के द्वारा कल शाम 6:15 के आसपास ये 4 साथी वाहन चोरों को जो अंतर्राज्यीय स्तर के हैं गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 15 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, 2 तमंचे कारतूस आदि बरामद हुए हैं। इसमें उल्लेखनीय यह है कि ये चारों एक ही कस्बे के रहने वाले हैं। 3 सेखवाड़ा का है, 2 बगल के मोहल्ले का है। इसका गैंग लीडर साजिद, जिसके खिलाफ 5-7 से अधिक मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं। सातिर किस्म का वाहन चोर है, दिल्ली, नोएडा, एनसीआर के अन्य जनपदों में और बुलंदशहर से मोटरसाइकिलों को चुराना। और इसका भाई राशिद, जो एक मोटर साइकिल मिस्त्री भी है, ये उन मोटरसाइकिलों को खपाने का काम करता है। तो इस तरह से इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इनके विरुद्ध हम गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई कर रहे हैं। बाइक चला के बेचते थे या क्राइम ब्रांच को भी अंजाम दिया? फिलहाल अब तक पूछताछ में जो चीज़ें निकल के आई हैं, विशुद्ध रूप से उसका व्यवसायिक उपयोग करते थे, मोटरसाइकिलों में थोड़ा बहुत चेंजिंग करके उसको बेच देते थे।